सभी बहन भाइयों को नमस्ते। आज दिवाली में देखो तोरण की पट्टी बना के दिखाऊंगी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं नलका से बना के दिखाऊंगी, ये नलका मैंने लिया है और एक किरोसिया की जरूरत है। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम चैन बनाएंगे, तो चैन हम बनाएंगे 20, 1, 2। तो देखिए मैंने अपनी 20 चैन बना ली हैं और इस वाले फंदे को थोड़ा लंबा खींच देंगे, ये ऐसे करके बना देंगे। और हमने ये 20 चैन बनाई हैं, हर एक में डाल के हमको डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ऐसे बनानी है, ऐसे डबल क्रोशिया हर एक में डाल के हमको बनानी है। तो ऐसे ही बना लेना आप लोग भी और हम भी बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी सिंगल पट्टी बना के तैयार कर ली है और इसी के ऊपर हमें डबल पट्टी एक और बनानी है, हर एक फंदे में हम डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, और इस वाले फंदे को छोड़ के इसमें बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें पूरा राउंड बना लेना, हर एक फंदे पर डालेंगे तो हमारी डबल पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। और हम बना लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए नहीं, तो देखिए हमने अपनी डबल पट्टी भी बना के तैयार कर ली, अब हमारी डिजाइन बनेगी ये वाली। देखिए ये मैंने पट्टी बना ली, फिर अब ये वाली डिजाइन बनेगी। देखिए इसको बनाते हैं, इसके लिए हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, और यहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 बार डबल क्रोशिया हमको बनानी है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार फंदे छोड़ के 5वें फंदे में हम बांध देंगे ऐसे करके। तो देखिए हमारी एक डिजाइन बननी शुरू हो गई है। तो फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर से हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। ये चेन वाला फंदा है जो हम चेन बनाते हैं उसको हम नहीं गिनते हैं, आप चाहें तो गिन सकते हैं, 4, 5, 6। फिर से हम 4 फंदे छोड़ के 5वें फंदे पे बांध देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर से हम 6 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2। हम पूरी लाइन अपनी बना लेंगे, देखिए 1, 2, 3। फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 6। तो देखिए अब हम अपनी आखिर में ऐसे यहीं पे बांध देंगे ऐसे करके। अब हम 6 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहीं पे बांध देंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने अपनी चैन बनाई थी पहले वहीं पे बांध देंगे 6 चैन बना के। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे बांधेंगे दूसरी वाली में। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। तो ऐसे ही पूरी चैन आप लोग भी बना लीजिएगा, हम भी बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए हमने अपनी पूरी लाइन बना के तैयार कर ली, अब हमको क्या करना है, आखिर में एक चैन बनाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे बांध देंगे ऐसे करके। अब फिर हमको क्या करना है, फिर हमारी ये वाली चीज़ बनेगी। तो देखिए मैं आपको थोड़ी बना के दिखा देती हूँ, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद हर एक फंदे में डाल के और हम अपनी ये वाली चीज़ बना लेंगे और बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए मैंने अपनी दूसरी पट्टी भी बना ली है। तो हमारी ये पट्टी है, जितनी भी आप बड़ी बनानी चाहें, जितनी भी चकली बनानी चाहें, हमने इतनी ही बना के दिखाई है। तो उसमें हमारी अब ये वाली पट्टी है जो एक सिंगल ही बनेगी, ये वाली हमने डबल बनाई, ये सिंगल ही बनेगी। और जब हम आखिर करेंगे तब भी हम डबल बनाएंगे ऊपर और बाकी हमारी सिंगल ही बनेगी। तो देखिए मैं फिर से आपको बना के दिखाती हूँ, 3 चैन लेंगे और यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
चार पांच छह, तो देखिए ऐसे ही बनानी है हमको। चार फंदे छोड़ के एक दो तीन चार पांच में फिर बांध देंगे। तो ऐसे ही हम अपनी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए मैंने अपनी बना के तैयार कर ली है, और आप लोग अपने दरवाजे के अनुसार बना लेना। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, चाहे आप ऊन से बनाएं चाहे नलके से बनाएं। और अगर हमारा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।